हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास. दिस इज़ पुष्पेंद्र पाठक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पोएम ऑफ आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड द पोएम इज़ फादर टू सन. इट इज़ रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स. सो द पोएम इज़ अबाउट अ सन. अ फादर इज़ एक्सप्रेसिंग through this poem the relationship between him and his son, and telling us that there is something which is not good between both of them, and father is sad to know about that his child is not going as he wants. So he is expressing here his grief in the form of this poem. So let's see what does poet say. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when he's small. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस चाइल्ड को अपने समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है. हालांकि हम एक ही घर में सालों से एक साथ रह रहे हैं, सालों से हम लोग एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ. आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ. सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन ही स्मॉल. इसलिए मैं एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ, एक ऐसी रिलेशनशिप जो कि ठीक उस तरह से हो जब वो छोटा था, जिस तरह से हमारी रिलेशनशिप तब थी जब वो बच्चा था. ठीक है, तो इन दिस लाइन पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट द चाइल्ड इज़ नो मोर एज ही वॉज व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, एंड हिज बिहेवियर हैज़ चेंज नाउ, एंड फादर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ हिज चाइल्ड, एंड व्हाट ही सीम्स इज हिज चाइल्ड इज़ टोटली डिफरेंट देन व्हाट his father has thought he would become. Okay, so there is no sign of understanding between them. दोनों के बीच में समझदारी नहीं है और poet इस बात से दुखी है और वो चाहते हैं कि एक ऐसी relationship फिर से बन जाए जैसे कि उस समय थी जब वो बच्चा उनका क्या था, छोटा था. Next stanza. Yet I have killed the seed I spent or sown, it where the land is his and none of mine. यहाँ पर poet कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बीज बोया था, ठीक है, तो या तो वो किल्ड हो चुका है, मतलब वो नष्ट हो गया है, मेरा जो बीज है वो नष्ट हो गया है, या फिर ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ पर उसे लगाया था वो मेरी ज़मीन नहीं थी बल्कि वो किसी और की थी. अर्थात बच्चे को यहाँ पर उन्होंने एक बीज से सिंबलाइज किया है कि जो उनका बेटा है, ऐसा उन्हें लगता है कि वो उनका बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है, इस तरह से बिहेवियर है उसका. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. हम दोनों बातें इस तरह से करते हैं जैसे हम दोनों स्ट्रेंजर्स हों, अजनबी हों. जिस तरह से दूसरे लोगों से बातें करते हैं लोग, उस तरह से हम दोनों के बीच बातें होती हैं और दूर दूर तक अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नज़र नहीं आता. मतलब दूर दूर तक समझने, एक दूसरे को समझने का कोई संकेत समझ में नहीं आता है. दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. हालांकि ये चाइल्ड जो है जैसा मैं चाहता था उस तरह से है, फिर भी क्या उसे पसंद है ये मैं शेयर नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ. नेक्स्ट चेंजा. साइलेंस सराउंड्स अस, I would have him prodigal, returning to his father's house, the house he knew, rather than see himself make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Poet यहाँ पर कह रहे हैं कि I would have him prodigal. Prodigal मतलब होता है extravagance, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना या बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति.
तो वो कहते हैं कि वो जिस तरह से रहना चाहेगा, मतलब उसे बहुत खर्च करना होगा, एक्सपेंस ज़्यादा करेगा, ठीक है, तो वो मैं करने दूंगा, जिस तरह से वो रहना चाहे वो मैं करने दूंगा, जिससे कि वो क्या हो, अपने फादर के घर वापस आ जाए, उस घर में जिस घर को जानता है उसे, वो उस घर को वापस लौट आए, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, ठीक है, और मैं जो है उसे अपने हिसाब से चलने दूंगा कि इस संसार में जिस तरह से वो चाहे, जिस तरह अपनी दुनिया में जीना चाहे, उस तरह से वो जी सके, मतलब मैं उसके किसी काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा जो अभी तक उसने गलतियाँ की, और एक नया, मैं चाहता हूँ कि एक नया जो है टाइम शुरू हो, एक नया लाइफ शुरू हो, जिसमें क्या हो, जो हमारा सॉरो है, जो हम दोनों के बीच में सॉरो है, वो क्या हो, एक नए लव के रूप में शुरू हो, मतलब जो दुख है वो ख़त्म हो और दोनों के बीच में क्या हो, स्नेह फिर से बने। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। फादर एंड सन, मतलब वो कह रहा है कि पिता पुत्र हम दोनों को एक ही साथ एक ही धरती पर रहना है, एक ही साथ जीना है। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीव, वो कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि गुस्से के कारण, दुख के कारण क्यों मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, हम दोनों क्या कर अपने हाथ सामने, खाली हाथ दोनों सामने फैलाते हैं और ये विश करते हैं कि हम क्या करें, एक दूसरे की गलतियों को क्या करें, क्षमा करें और फिर से क्या करें, दोनों व्यक्ति साथ में ठीक उस तरह से रहें, उस तरह की रिलेशनशिप को मेंटेन करें जैसे कि तब थी जब मेरा बेटा क्या था, एक बच्चा था, ठीक है। तो ये एक्चुअली दिस पोएम इज अबाउट ऑल द फादर्स एंड ऑल द सन्स। वी सी समटाइम्स दैट देयर इज नॉट अ गुड साइन ऑफ रिलेशनशिप व्हेन फादर, व्हेन समवेयर वी फाइंड दैट फादर इज स्ट्रिक्ट टू हिज सन and he is not allowing his son to do something that his son wants, then this kind of conditions occurs generally in our life. So the poet, the poem is for general purpose. It is from all the fathers to all the sons who has not a good relationship between them. Okay, so I hope you all have understood this poem. Okay, and we see the next thing in the next video, and we will discuss some new topics, some grammar topics also. Okay, so for now the poem is finished. Okay, thank you for watching.